मैरिज सेरेमनी हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, पार्टी हो या फिर नाइट क्लब, कई बार आप अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस से नहीं बल्कि अपने परफ्यूम के चलते हाईलाइट हो जाते हैं। जहां से भी गुजरते हैं आपके पीछे आपके परफ्यूम की भीनी सी खुशबू एक पल के लिए लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर ही देती है। वैसे मार्केट में आपको 50 से 100 रुपए से लेकर के हजारों डॉलर के परफ्यूम्स मिल जाएंगे। तो परफ्यूम, सेंट या फिर इत्र, ये सभी एक ही चीजें हैं, बस नाम का फर्क है। इनका काम ही है आपकी पर्सनैलिटी को महकाना। वैसे इनका काम बस यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अगरबत्ती, साबुन, शैम्पू, कैंडल, रूम फ्रेशनर, टेलकम पाउडर, ब्यूटी क्रीम, गुलाब जल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स हैं जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। अगर आप होममेड परफ्यूम का काम शुरू करना चाहते हैं तो आज क्विक सपोर्ट का ये केस स्टडी वाला वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। तो चलिए इस खुशबूदार सफर पर हम निकलते हैं। सबसे पहले मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। फ्रेग्रेंस या खुशबू की बात आती है तो इंडिया में लोग सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं डिओड्रेंट से। उसके बाद नंबर आता है परफ्यूम का। वैसे जहां तक अफोर्ड करने की बात है तो लोग डिओड्रेंट ही ज्यादा अफोर्ड कर पाते हैं। रही बात परफ्यूम की तो इसे हमेशा ही प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता है और डिओड्रेंट को रेगुलर प्रोडक्ट की तरह, इसीलिए परफ्यूम के कंपैरिजन में इसका मार्केट ज्यादा है। वैसे इन सबके अलावा भी इत्र एक ऐसी चीज है जो शायद ही कभी पुरानी होगी। आज के मॉडर्न जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो स्पेशल ओकेजंस पर इत्र ही लगाते हैं। अगर आप इत्र के शौकीन हैं तो आपने अरेबियन ब्रांड अजमल का नाम जरूर सुना होगा। इसका भी अपना कस्टमर बेस है, तो मार्केट हर चीज की है, बस आपको अपने कस्टमर तक पहुंचना आना चाहिए। इंडियन फ्रेग्रेंस मार्केट की बात करें तो 2019 में इसकी वैल्यू लगभग 67 बिलियन रुपए थी और हर साल लगभग 16% की ग्रोथ के साथ 2024 तक ये 140 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगी। तो इस इंडस्ट्री में आना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं परफ्यूम बनाने की स्किल के बारे में। जब भी आप एक नए तरह के काम के बारे में सुनते हैं या उसे शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है उस काम की बारीकियों को सीखा जाए, क्योंकि आपकी सक्सेस या फेलियर बहुत हद तक इसी पर डिपेंड करती है कि काम के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है। इसीलिए अगर आप परफ्यूम बनाने जा रहे हैं तो इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आप ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रही है तो उसमें खुद को एनरोल कर लीजिए। और अब लगे हाथ हम ट्रेनिंग की भी बात कर ही लेते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जहां से आप परफ्यूम बनाने का काम सीख सकते हैं। उनमें से कुछ नाम है ममता क्रिएशंस, फॉरएवर फ्रेग्रेंस, परफ्यूमरी अ बिगिनर्स वर्कशॉप इन बेंगलुरु, मॉडर्न माइकीज स्कूल और पर्ल्स हॉबी क्लासेस। तो इनके बारे में आप और ज्यादा डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप नेशनल स्किल इंडिया मिशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको परफ्यूम बनाने के बारे में काफी सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। वैसे अगर आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपका साइंस स्टूडेंट होना जरूरी है। जी हाँ, अगर आपके पास केमिस्ट्री की डिग्री है तो परफ्यूम इंडस्ट्री को समझने में काफी आसानी होगी, क्योंकि परफ्यूम बनाना किसी नए फॉर्मूले को बनाने जैसा ही है। कौन सी चीज किस मात्रा में किसके साथ मिलानी है, ये केमिस्ट्री की जानकारी से ही संभव है। हो सकता है कि आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिल गया तो वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री भी चेक करेंगे। वैसे भारत में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो परफ्यूमरी में पढ़ाई करवाते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में आप मास्टर्स इन परफ्यूमरी एंड फ्लावर्स टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इनके अलावा फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर यानी कि FFDC कन्नौज उत्तर प्रदेश में आप एक साल का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अरोमा मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ ही केमिस्ट्री और नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी PG इन अरोमा टेक्नोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो FFDC और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ मिलकर ऑफर करते हैं। आप इनकी वेबसाइट से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब जो पढ़ाई की बात हो गई है तो दोबारा से बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। पढ़ाई होने के बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मार्केट में आप किस तरह के परफ्यूम्स लाएंगे, कोई नई तरह का फ्रेग्रेंस लोगों को पसंद आएगा या नहीं, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए आप खुद से अपना प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, रॉ मटेरियल्स लेकर आइए, जरूरी केमिकल्स, परफ्यूम की बोतल और अलग अलग तरह के परफ्यूम के आइटम्स जिन्हें मिला करके आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद उसे लोगों में आजमाइए और उनका फीडबैक भी लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका अपना फॉर्मूला कितना कामयाब है। क्योंकि हर बिजनेस का उसूल है अपने मार्केट को जानना, इसीलिए थोड़ी सी मार्केट रिसर्च तो आपको करनी ही पड़ेगी। लोगों को कैसा प्रोडक्ट पसंद है, किस तरह के फ्रेग्रेंस ट्रेंड कर रहे हैं, इनका पता कीजिए, लोगों से मिलिए और रिसर्च पेपर्स को पढ़ना शुरू कीजिए। इनसे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इसके बाद बारी आएगी अपना खुद का बिजनेस प्लान बनाने की।
आपका बिजनेस लार्ज या स्मॉल स्केल का होगा, कितना इन्वेस्ट करेंगे, डोमेस्टिक बिजनेस करेंगे या इंटरनेशनल भी जाएंगे, क्या खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, मैन पावर स्ट्रेंथ क्या होगी, रॉ मटेरियल्स कहां से लाएंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर एक एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है। बिजनेस है तो ब्रांड नेम या कंपनी का नाम भी आपको सोचना पड़ेगा, तो कोई यूनिक सा नाम सोचिए, क्योंकि बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक ऐसे नाम की जरूरत पड़ेगी जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। तो भाई कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस को एंडोर्स करे, जिसे बोलना आसान हो, जिसकी स्पेलिंग आसान हो और जिसे आसानी से सोशल मीडिया या इंटरनेट पर ढूंढा जा सके। जब भी हम कोई बिजनेस आइडिया देते हैं तो उसकी केस स्टडी में बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस को लीगल बनाना चाहिए, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लॉयल्टी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी या MSME में रजिस्टर करवा लेना बेहतर रहेगा। MSME में रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल सकती है या फाइनेंशियल हेल्प भी आप पा सकते हैं। अब बिजनेस है तो हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा, राइट? इसके लिए आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशनल वे में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और ऑटोमेटिक मशीन, परफ्यूम इंडस्ट्री से स्किल्ड एक्सपर्ट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, प्रिंटिंग पैकेजिंग जैसे काम भी देखने होंगे। इन्हें आप जितने अच्छे से मैनेज करेंगे उतना ही बिजनेस बेहतर ग्रो करेगा। और अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, जो कि बहुत ही आम बात है लेकिन जरूरी है। इसीलिए आप भी अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और टाइप्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप अपना अलग से एक बजट रख सकते हैं। वैसे कई लोगों को लगता है कि विज्ञापन में पैसा बेकार जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आप कहां कहां पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए, कोई होलसेलर मिल जाए या डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, कोई बिजनेस इंक्वायरी आ जाए जो आप अकेले कभी नहीं कर सकते, राइट? अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर की, जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसलिए ट्रेडिशनल स्टोर, शोरूम या रिटेल शॉप के साथ साथ आप ऑनलाइन स्टोर पर भी जा सकते हैं। इसके लिए आप खुद की वेबसाइट बनवा सकते हैं और उसका पेड प्रमोशन करवा सकते हैं, या फिर Amazon, Flipkart, Myntra या किसी आउटफिट ब्रांड की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टोर का स्पेस खरीद सकते हैं। मामूली फी के साथ आपको ये फैसिलिटी आराम से मिल जाएगी। अगर आप Amazon.in पर जाएंगे तो आपको सेल ऑन Amazon का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। किसी भी फील्ड में जब आप उतरते हैं तो उसे अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए, इससे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। जैसे अगर इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कन्नौज के ऊपर आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी, उन्हें देखिए और पढ़िए। हो सके तो एक बार कन्नौज आप जाकर आ सकते हैं। वहाँ पर जो लोग पीढ़ियों से इसी काम को कर रहे हैं उनसे मिलिए, और अगर काम सीखने को मिल रहा है तो इत्र बनाने की बारीकियां सीख कर आइए। वैसे गूगल पे सर्च करेंगे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया तो आपको नेशनल जियोग्राफिक का एक आर्टिकल भी मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि परफ्यूम सिर्फ फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में ही नहीं है, कॉस्मेटिक्स, अरोमा, साबुन, शैम्पू, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल्स जैसे ढेर सारे सेक्टर में भी लगता है। इसीलिए आप सप्लायर के तौर पर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और फिर भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप बिल्कुल लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब लेकर आए वीडियो के थ्रू। और जो लोग आज हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फायदे भरी जानकारियों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कभी भी कोई जानकारी आप मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, धन्यवाद।